मेरे मेरे हृदय में व्यवसाय ऐसे जुर्म मत लगाओ मुझसे। मैं तो कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा हूँ और आगे भी तुम्हारा ही रहूंगा। मेरे जाने के बाद भी इस निधि वन की लताओं में भी तुम्हें श्याम नजर आएगा। रमण वेती के रज में भी तुम्हें श्याम नजर आएगा। इस जमुना के कल कल में श्याम नजर आएगा। इसलिए ऐसा मत करो कि फिर कभी अगर मुलाकात हो तो नजर ना मिला सके। यही राम बानी Bye.
इसकी तो आदत पड़ गई है। नवप्रिया लोगों से मिलने की रात भर सफर में जाएगा, सुबेरे मथुरा में फिर वैसे ही रास रचाएगा। इसका क्या भरोसा, ऐसा इल्जाम लगाया। मेरे नंदलाल ने कहा, गोपियों तुम्हारे लिए ही तो मैं अवतार लेके आया, तुम्हारी जितनी मर्जी है मुझ पे इल्जाम लगा लो।
लेकिन जीते जी तो मैं तुम्हारे साथ हूं ही, हा भी रहूंगा भी, लेकिन वैकुंठ जाने के बाद भी हर रोज इस निधि वन में आके तुम्हारे साथ रास रचाना मैं नहीं भूलूंगा। तुम्हें जितना इल्जाम लगाना है लगा लो, हम भगवान से दूर हो जावे पर भगवान हमसे कभी दूर, हम उससे रूठ जाते हैं लेकिन वो हमसे कभी रूठता, हम उससे स्वार्थ से प्रेम करते हैं लेकिन उसका हमसे कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ का नाम प्रेम नहीं, प्रेम जो है स्वार्थ का नाम नहीं। प्रीति करो ऐसी करो जैसे लोटा डो, गला फसावे अपनो पानी पिए कोई और। प्रेम उसको, ये प्रेम नहीं है कि जैसा मैंने चाहा वैसे तुमने किया तो ठीक, मैंने कहा कि ये काम करना है तो ठीक, हाँ जी होगा, ये करना तो ठीक, इससे बात करना तो ठीक, इससे नहीं करना तो ठीक, उचित अनुचित कुछ ज्ञान नहीं। अपनी मर्जी से अपने प्रियतम को चलाना प्रेम नहीं, इनडायरेक्टली स्वार्थ नजर आता है। स्वार्थ को प्रेम का रूप मत दो ब्रजवालाओं। अगर मैं यहां रुकता हूं तो तुम्हारा प्रेम है जाने से मुझे रोक रहा है, और वहां नहीं जाता हूं तो वसुदेव की मृत्यु हो जाएगी। तो जब बातें धर्म कर्म की हो तो कर्मवीर क्या कर्म करे, क्या अब भी यही चाहते हो कि कृष्ण चंद्र अब अधर्म करे। एक तरफ गोपियों का प्रेम है तो दूसरी तरफ और भी कई बातें, वहां जा रहे हैं भगवान। भगवान निकल गए, मथुरा पहुंच रहे हैं। अभी जब आपके साथ कोई है तो उसके साथ कैसा भी व्यवहार करो, लेकिन दूर जाने के बाद ही अस्तित्व का ज्ञान होता है। जब तक वस्तु आपके साथ है आप उसका महत्व नहीं करेंगे। माँ बाप जब तक पास में है उनकी सेवा नहीं करेंगे। आज वृक्ष की हरियाली को देखकर कहेंगे बड़ा सुंदर वृक्ष है, लेकिन जड़ में कभी नहीं जाएंगे, कहे हरियाली देने वाला तो ये जड़ है। माता पिता के चरणों में सेवा जीते जी करो तो जिंदगी भर मेवा खाएंगे, और अगर जीते जी गंगा और मरने के बाद गंगा तो तुम्हारे साथ भी वही हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक नगर की परंपरा थी कि जब कोई भी वृद्ध 70 साल की उम्र से ज्यादा हो जाए तो उसे टोकरी में भर के जंगल में छोड़ दिया करते थे। टोकरी में भर के सिर पे उठा के जंगल में छोड़ दिया करते थे, वृद्धों की सेवा कौन करेगा बुढ़ापे में, कौन करेगा। ऐसी गति चलती रही। एक बार एक बाप ने अपने पिताजी को लेकर, यानी पिता अपने पुत्र के समक्ष अपने वृद्ध पिता को टोकरी में लेकर चला, बच्चा उसके पीछे पीछे लग लिया। ऊपर जाकर उसने अपने बाप को जैसे ही नीचे डाला टोकरी भी वहीं छोड़ दी। लड़का रुक गया, बोला पिताजी रुको रुको मैं आता हूँ। बोला कहाँ जा रहे हैं, जंगल है। नहीं, वो टोकरी उठा के लेके आता हूँ। पिताजी ने कहा टोकरी क्यों लाएगा तू। बोले पिताजी जब आप बुढ़े हो गए ना तब तो आधुनिक